सोर्सेस के थ्रू एक ब्रेकिंग न्यूज पता चली है, आयशा खान बिग बॉस हाउस से इविक्ट हो चुकी है। लेकिन क्यों? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब टू आवर चैनल हर जिंदगी फॉर ऑल एंटरटेनमेंट अपडेट्स। न्यूज ये सुनने में आ रही है कि रिसेंटली बिग बॉस के घर में एक्चुअली ऑडियंस आई एंड ऑडियंस के साथ एक लाइव पोल हुआ। नॉमिनेट हुए हुए कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस के घर में एक टास्क ये मिला था जिसमें कि उन्हें एक दूसरे को लाइव रोस्ट करना था। एंड इसी लाइव रोस्टिंग के हिसाब से ऑडियंस ने नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स को वोट किया एंड जिसकी रोस्टिंग अच्छी थी उसको उतने वोट्स मिले। बट सीम्स लाइक कि मे बी आयशा खान की रोस्टिंग स्किल्स अच्छे नहीं थे इसलिए उन्हें कम वोट्स मिले, जिसकी वजह से आयशा खान को बिग बॉस के हाउस से इविक्ट कर दिया गया। एंड अपेरेंटली अभी वो बिग बॉस के घर से ऑलरेडी जा चुकी हैं। शायद अगर ऑडियंस ने ये लाइव वोटिंग आयशा खान की नॉर्मल बिग बॉस में परफॉर्मेंस पर की होती तो वो अभी भी घर में मौजूद होती, लेकिन क्योंकि ये वोटिंग सिर्फ और सिर्फ टास्क बेस्ड थी तो शायद इसलिए आयशा गेम में नहीं आगे बढ़ पाई एंड एविक्ट हो गई। अगर आप बिग बॉस को फॉलो करते हैं तो शायद आपको याद होगा कि आयशा खान की एंट्री कैसे हुई थी एंड लोगों ने आयशा खान को पसंद क्यों नहीं किया। बेसिकली बिग बॉस के मेजॉरिटी व्यूअर्स का ये ओपिनियन है कि आयशा खान ने खुद कोई गेम ना खेलते हुए अपने एक्स बॉयफ्रेंड मुनावर को बदनाम करके बिग बॉस में एंट्री ली और अपना गेम बनाए रखा। आयशा खान ने बिग बॉस के घर में एंट्री करते हुए ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड एंड लॉकअप विनर मुनावर को कन्फ्रंट किया अबाउट हिम टू टाइमिंग विद हिज एक्स गर्लफ्रेंड नजिला। एंड उसी टाइम से मुनावर बिग बॉस 17 में अपनी परफॉर्मेंस एंड पर्सनल लाइफ एंड रिलेशनशिप की वजह से काफी चर्चा में भी थे। इसी कन्फ्रंटेशन के बाद कॉमेडियन मुनावर की एक्स गर्लफ्रेंड नजिला ने इंस्टाग्राम लाइव पर जाकर ऑडियंस के साथ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किया था एंड अपने साइड की स्टोरी एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन में बता दी थी एंड लोगों से ये भी रिक्वेस्ट किया था कि लोग उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें और ये रिक्वेस्ट किया था कि उन्हें कमेंट्स पे ट्रोल ना करें। और वैसे रूमर्स तो ये भी फैल रहे हैं कि शायद इस वीक बिग बॉस के हाउस में डबल इविक्शन हो एंड अकॉर्डिंग टू ऑनलाइन सर्वे काफ़ी लोगों का ये मानना है कि अगर इस हफ्ते डबल इविक्शन होगा तो सेकेंड कंटेस्टेंट टू गेट नॉमिनेटेड वुड बी विकी जैन। तो बिग बॉस का माहौल देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या आयशा खान को बिग बॉस के घर से सिर्फ रोस्टिंग टास्क के बेसिस पर निकालना सही था? एंड व्हाट डू यू थिंक कि अगर इस हफ्ते बिग बॉस के घर में डबल इविक्शन होते हैं तो आखिर वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो आफ्टर आयशा खान इविक्ट होगा बिग बॉस के घर से? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड बिग बॉस से रिलेटेड एंड एंटरटेनमेंट की दुनिया से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल हर जिंदगी।